पिवट टेबल के अंदर में हम यहाँ कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप मेरे डेटा में देख सकते हैं कि मेरे डेटा में नेम है, सिटी है, क्वांटिटी एमआरपी है। अब इसकी बाकी कैलकुलेशन नहीं है, जैसे कि एक 19 पीस 68 रुपीज़ के हिसाब से मिला है, तो मुझे इसकी अमाउंट कैलकुलेट करना है, मुझे इसका टैक्स जीएसटी कैलकुलेट करना है, कमीशन कैलकुलेट करना है, इस तरह की कैलकुलेशन करनी है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम डेटा के अंदर किसी भी तरह का रेटिंग चेंजिंग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर डेटा के अंदर किसी तरह का चेंज हम करते हैं तो फिर मेरा डेटा किसी और से कनेक्टेड नहीं रहेगा। तो यहाँ हम क्वांटिटी को रखते हैं, एमआरपी भी रख सकते हैं, एवरेज एमआरपी जब भी रखिएगा एवरेज रखिएगा, एवरेज हमने रखिएगा। बाकी कैलकुलेशन कैसे होगा? तो बाकी कैलकुलेशंस के लिए हम कैलकुलेटिंग फील्ड का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, कैलकुलेटिंग फील्ड का वो कहाँ होता है? पिवट टेबल एनालाइज में फील्ड आइटम सेट के अंदर कैलकुलेटेड फील्ड होगा, जहां आप अपने हिसाब से नया कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे निकाला अमाउंट, अमाउंट के अंदर में हमने यहां पे ले लिया क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, इसको ऐड किया, ओके किया, ये देखिए यहां पे सम ऑफ अमाउंट आ गया। मान लीजिए मुझे इस पे 18% की जीएसटी भी निकालनी है, तो कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ जीएसटी और यहाँ पे हमने बोला। अब यहाँ पे अमाउंट दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को रखिए और इसी पे कर दीजिए अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 18%। मुझे फिर टोटल भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे जी टोटल दोबारा से भरना पड़ेगा, जी टोटल यहाँ पे इक्वल अमाउंट प्लस जीएसटी ऐड किया, आपके सामने रिजल्ट आया।